अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं विज़िट कर रहा हूँ फैबर डिश बिजी टोन एंड डेस्टी का, जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये देखें, ये 4 फुट की डाई है और ये डिशें लगी हुई हैं क्यारी पर। ये 5 फिट है, ये भी 5 फिट है और ये 4 फिट है। ये देखें, ये स्टिक्के हैं जी, जो 4 फिट के स्टिक्के हैं वो, इनको ये कलर वगैरह करते हैं, ये कलर वगैरह करते हैं। ये पूरी बेस्ट है विजी टोन की, विजी टोन अहमद डिश, ये दो नाम से डिश बनाते हैं। ये देखें, ये 4 फिट के विजिट उनकी, और ये भाई भी कारीगर है और ये भी आपको बताएंगे कि इनका मियार कैसा है। गुजरांवाला में ये टॉप क्लास है, क्योंकि सभी को पता है कि विजिट उन का फैबर में पूरे पाकिस्तान में एक नाम है विजिट उन का, ठीक है। यहाँ खाली डिश ही नहीं बनाई जाती, और भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी मैं आपको 4 फिट दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये डाई में लगी हुई है डिश, ये डिश देखें, ये डाई में लगी हुई है, अभी ये सभी डाई में लगी हुई हैं। तकरीबन 1 या 2 दिन बाद जब ये निकालते हैं ना, ये देखें, ये सभी डाई में लगी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को अच्छा लगेगा। और ये 6 फिट है, ये 6 फिट की है, 6 फिट का मुंह इधर करें, ये देखें जी, ये 6 फिट है। इसको स्टैंप जो है ना वो अहमद की लगी है, क्योंकि यहाँ दो नाम से डिश बनाई जाती है। अंडस्ट्री जो है वो विजिट उनके नाम से, लेकिन अंदर फिर और बैक पे ये देखें, ये 8 फिट है पीछे, ये 8 फिट भी डाई पे लगी हुई है, कर दो इन्हें। और बैक पर आप देख सकते हैं, ये 8 फिट है, 8 फिट, ये 8 फिट है, ये सभी 4 फिट के। और ये स्टिक है 4 फिट के कलर करने के लिए। तो यार ये दोस्तों, मैं आपके लिए विजी टोन की अंडस्ट्री शेयर कर रहा हूँ, विजी टोन, ये देखें, ये भी कारीगर है, ठीक है, ये विजी टोन है सारे का सारा। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आएगा, ये देखें, ये देखें, ये 6 फिट है, 6 फिट, ये 6 फिट है, वो देखें जी, वो विधि टून है 6 फिट में, ठीक है। और रिजल्ट और मियार इनका एक रिजल्ट है, अपना मियार है चीज़ का, और सिर्फ आप दोस्तों के लिए शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ए 4 फुट नो स्टैंड लगता है दोस्तों, ए स्टैंड जेड़ा ना 4 फुट नो लगता है, ठीक है, हाँ देख, ए सारे ए स्टैंड है, ठीक है, की दहा दे 45 भी दहा दे, हाँ देख, ए सारे स्टैंड ने, क्योंकि एदा चौंकी स्टैंड होंदा वे ना, तो बारिश ना खराब होंदा, और सिग्नल भी एदा बिल्कुल प्रॉपर रहिंदा, और सैटिंग भी बड़ी आसानी ना हो जाती। एक तो होंदा ना फर्शी स्टैंड, फर्शी स्टैंड वो बिल्कुल गल जाता जो बारिश पैंदी, तो वह गल जाता। ए प्रॉब्लम कि
ਬਿਲਕੁਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫੈਬਰ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੇਂਟ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਧੁੱਪ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾ ਸਟੈਂਡ ਫੜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਫਰਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸਰ।